हेलो एवरीवन, लेट्स बी स्टार्ट। आज डिस्कस करते हैं वेयरगार्ड मेथड, वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट मेथड। आपका जो वेयरगार्ड मेथड आया ये 1.5 वर्जन में आया, जेडीके 1.5 में। वेयरगार्ड मेथड की जरूरत क्यों पड़ी? सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, उस एग्जांपल से मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सपोज आपको दो नंबरों को जोड़ना है तो आप क्या करोगे, सम फंक्शन लोगे, सम फंक्शन, और इसमें दो वेरिएबल पास करोगे एक्स और वाई। ठीक है, इसकी बॉडी बनाएंगे हम सम फंक्शन की जो दो पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। थोड़ी देर बाद रिक्वायरमेंट है कि मुझे एक ऐसा फंक्शन बनाना है जो तीन नंबर्स को जोड़ सके, तो आप क्या करोगे, एक सम फंक्शन और लोगे, उसमें भी एक्स वाई और जेड तीन वेरिएबल पास करोगे, है ना। ये फंक्शन क्या करेगा, ये तीन नंबर्स को जोड़ेगा, ठीक है, तीन नंबर्स का सम निकालेगा, टू नंबर्स का सम। ऐसे थोड़ी देर बाद और रिक्वायरमेंट आई कि सम फंक्शन ऐसा बनाओ जो चार वेरिएबल्स को सम कर सके, कितने टोटल, चार वेरिएबल्स को जोड़ सके, ठीक है, ए बी सी जो भी है, ए एक्स वाई, ए बी सी जेड जो भी है, ये आपके जोड़ सके। तो आप क्या देख रहे हो, अगर मेरे मुझे दो नंबरों का एडिशन करना है तो आप एक न्यू सम फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हो, तीन नंबर को जोड़ना है तो नया एक और नया फंक्शन लोगे, एक और सम फंक्शन, अगर चार वेरिएबल को जोड़ना तो हर एक नंबर्स के लिए आपको अलग अलग फंक्शन डिफाइन करना पड़ रहा है, ठीक है। सम फंक्शन दो वेरिएबल वाला, तीन वेरिएबल वाला, चार वेरिएबल वाला। अगर मुझे n वेरिएबल्स को सम करना है तो आपको 2 से लेकर n तक के सभी फंक्शंस आपको डिजाइन करने पड़ेंगे, तो आपके कोड की लेंथ क्या हो जाएगी, काफी बड़ी हो जाएगी। तो इस चीज को रिमूव करने के लिए हमारे पास है वेयरगार्ड मेथड, एक ऐसा मेथड विच कैन एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स, जो आपके दो पैरामीटर भी एक्सेप्ट कर सके, तीन पैरामीटर भी एक्सेप्ट कर सके, चार पैरामीटर भी एक्सेप्ट कर सके। तो ऐसे सिर्फ एक ही मेथड से आपका काम चल जाएगा, वेयरगार्ड मेथड से, ठीक है। तो वेयरगार्ड मेथड क्या था, वेयरगार्ड का मतलब होता है वेरिएबल नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट मेथड, ठीक है। तो ये बन गया आपका वेयरगार्ड मेथड। ये हमारा जेडीके 1.5 में आया, जेडीके 1.5 वर्जन में आया। उससे पहले until 1.4 we cannot declare a method with variable number of arguments. 1.4 से जो previous versions हैं उनमें हम variable number of argument वाला method हम declare नहीं कर सकते, है ना। ये हमारा 1.5 में आया, ठीक है। इसी में ही next point है हमारा, if there is a change in number of argument compulsory we define a new method। अगर हमें 1.4 से पहले की बात कर रहा हूँ, अगर आपको दो नंबर को एडिशन का सम फंक्शन बनाना है तो आपको एक सेपरेट फंक्शन बनाना पड़ता था, तीन नंबर को जोड़ना था उसके लिए सेपरेट फंक्शन, चार को जोड़ना है चार के लिए सेपरेट फंक्शन, है ना, सबके लिए एक न्यू मेथड डिफाइन करना पड़ता था। तो इससे क्या होता था, इस अप्रोच से, दिस अप्रोच इंक्रीज लेंथ ऑफ कोड एंड रिड्यूस रीडेबिलिटी, हमारे प्रोग्राम बहुत लेंथी हो जाता था, किसकी वजह से, विदाउट वेयरगार्ड मेथड। ये जो तीनों पॉइंट्स हैं ये 1.4 तक के बाद बता रहा हूं, मतलब 1.4 वर्जन में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी कोड में, बट फ्रॉम 1.5 वर्जन ऑनवर्ड वी कैन डिक्लेयर अ मेथड विद वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। तो एक ऐसा मेथड हम डिक्लेयर कर सकते हैं 1.5 वर्जन और उससे ऑनवर्ड कि एक ही फंक्शन आपके बहुत सारे पैरामीटर एक्सेप्ट कर ले। तो ऐसे जो सभी कितने नंबर ऑफ पैरामीटर्स को एक्सेप्ट कर ले तो उस मेथड को हम क्या कहेंगे, वेयरगार्ड मेथड, वो आपका वेयरगार्ड मेथड होगा, ठीक है। तो ये जो आपका वेयरगार्ड मेथड है, जीरो नंबर ऑफ पैरामीटर, वन टू थ्री एंड सो ऑन, एन नंबर ऑफ पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो उसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, पहले मेथड का नेम आएगा, फिर डेटा टाइप, फिर आपको ये एलिप्स है ना, एलिप्स ऑपरेटर बोलते हैं इनको, ये इलिप्स ऑपरेटर है, आपको एग्जैक्टली थ्री डॉट्स लगानी है, फिर उस वेरिएबल का नाम जिसके हमें अंदर ये सारे वेरिएबल होल्ड कराने हैं। तो ये एक्स हमारा इंटरनली, इसमें एक एरे होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कैसे जीरो नंबर ऑफ, वन नंबर ऑफ आर्गुमेंट, टू नंबर ऑफ आर्गुमेंट सभी को एक्सेप्ट कर लेता, कैसे पॉसिबल है इंटरनली, इसके जो काम कर रहा है एरे काम कर रहा है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इसका सिंटेक्स है, ये हमारा मेथड हो गया M1, ये M1 एक मेथड है, ये बता रहा है कि हमारा एक्स एक वेयरगार्ड मेथड है, ये तीन डॉट्स बता रही है, इट कैन एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ पैरामीटर्स इवन जीरो, ये जीरो को भी एक्सेप्ट कर सकता है, वन को भी, सभी को एक्सेप्ट कर सकता है,
ये हमारा वेर गार्ग मेथड हुआ, इसको हम वेरिएबल नंबर ऑफ आर्गुमेंट मेथड्स को, ठीक है, इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ओके, तो ये हमारा सपोज मेन फंक्शन है, हम क्या करते हैं इसी के नीचे एक वेर गार्ग मेथड डिक्लेयर करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, हमने फंक्शन लिया एम वन, ठीक है, मैंने इसमें प्रिंट कराया सिस्टम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मैंने प्रिंट कराया सपोज कुछ भी मैसेज देते हैं वेर गार्ग मेथड, देखते हैं इसमें मैंने तीन डॉट्स लगाई एक्स, एग्जैक्टली थ्री डॉट्स लगानी है, तो ये आपका वेर गार्ग मेथड है, ये तीन डॉट्स आप उनके बीच में स्पेस भी मेंटेन कर सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, मिला के भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। तो ये आपका वेर गार्ग मेथड हो गया, ये एम वन, ये एम वन मेथड आपका कितने नंबर ऑफ पैरामीटर एक्सेप्ट कर सकता है, सभी इंटीजर टाइप्स के पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा ये, इवन जीरो जीरो पैरामीटर भी एक्सेप्ट करेगा। तो मैं यहाँ पर जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है उसके अंदर इस एम वन को कॉल करता हूँ विदाउट पैरामीटर, ठीक है, मैंने कॉल कराया आपका एम वन मेथड, इसमें हमने कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया, एक एम वन फंक्शन फिर कराया मैंने इसमें पास किया 10, फिर एक बार और एम वन फंक्शन कॉल, इसमें मैंने पास किया 10 और 20, ठीक है, एक और एम वन फंक्शन कॉल कराया इसमें मैंने पैरामीटर पास किया 10 20 30, तो ये मैंने चार बार कॉल कराया, तो हम देखते हैं चारों बार यही फंक्शन कॉल होगा क्या, अगर चारों बार यही वेर गार्ग मेथड प्रिंट हो रहा है तो उसका मतलब ये प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, आप ऑब्जर्व करो ये आपका चार बार प्रिंट हो रहा है, क्यों हो रहा है चार बार, क्योंकि आपका फंक्शन चार बार कॉल हुआ है, यहाँ पर पहली बार जब कॉल हुआ यहाँ से तो हम यहाँ पर गए, यहाँ पर हमने कोई भी पैरामीटर एक्सेप्ट पास नहीं किया, तो ये जीरो नंबर ऑफ आर्गुमेंट एक्सेप्ट करेगा, तो ये प्रिंट कर देगा वेर गार्ग मेथड, ये आपका वेर गार्ग मेथड आ गया। अगली बार आपने 10 पास किया, 10 चला गया एक्स के पास, तो आपका फिर ये प्रिंट हो गया वेर गार्ग मेथड सेकंड टाइम। आप अब की बार आपने दो पैरामीटर पास किए 10 और 20, एक्स ने दोनों को होल्ड कर लिया, इंटरनली इसमें एरे मेंटेन हो रहा है, उसको कैसे रीड करेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा आपको, 10 और 20, ठीक है, ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये भी आपका थर्ड टाइम प्रिंट हो जाएगा, चार पैरामीटर पास करोगे तो चार भी एक्सेप्ट कर लेगा, अगर आप एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स पास करते हो तो इन सबको ये एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो एक छोटा सा प्रोग्राम और बनाते हैं, इसमें एडिशन ऑफ नंबर्स बाय यूजिंग वेर गार्ग फंक्शन, सपोज ये आपका एम वन फंक्शन है, मुझे सम निकालना है, इनका सम निकालना है, ठीक है, तो मैंने बताया कि एक्स इंटरनली एक्स जो है हमारा इंटरनली किसको इंप्लीमेंट करता है, एरे को इंप्लीमेंट करता है, इसके अंदर एरे होता है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा वैसे तो आपको, ठीक है, ओके, थैंक यू।